नमस्कार। आजकल के स्टूडेंट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के बारे में सोचते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये दो तीन मिस्टेक कर देते हैं। पता है आपको ये क्या करते हैं? कोई से भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में तैयारी करते हैं, अच्छी तैयारी करते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, लेकिन मिस्टेक कहां करते हैं पता है आपको? जब कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोई मॉक टेस्ट होते हैं और मॉक टेस्ट देते हैं, तो उसमें अगर उनकी परफॉर्मेंस खराब हुई, बेड हुई, तो क्या करते हैं? घोर निराशा में डूब जाते हैं। वो अपने आप को कमजोर समझने लगते हैं, वीक समझने लगते हैं स्टडी में, इन कंपेरिजन अदर स्टूडेंट, दूसरे स्टूडेंट के कंपेरिजन में। उनको लगता है कि यार हमने कुछ तैयारी नहीं की है, हमारी कोई भी प्रिपरेशन नहीं है इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो यहां स्टूडेंट मात खा जाते हैं। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, आज अपन देखेंगे। जब आप बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, जो मॉक टेस्ट होते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में, मैं रियल बता रहा हूं, मैं कहीं पे भी पढ़ाने जाता हूं कोचिंग इंस्टीट्यूट और अदर स्कूल्स में गेस्ट फैकल्टी रूप में, तो वहां पर अधिकतर स्टूडेंट का वही क्वेश्चन रहता है कि सर हम जब मॉक टेस्ट देते हैं ना, अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, मॉक टेस्ट को रियल एग्जाम की तरह नहीं लेते हैं। वो एक जस्ट देखते हैं, यार ये तो मॉक टेस्ट है यार, चलो देख आते हैं। नो नेवर, आप कोई भी मॉक टेस्ट देने जा रहे हो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पर, तो आप ये समझे, आप ये जस्ट इमेजिन करें कि मैं एक वाकई में रियल एग्जाम देने जा रहा हूं और इसको मुझे क्रैक करना है। तैयारी वो होनी चाहिए, आपका माइंडसेट वो होना चाहिए। आप घर से निकले, आप अच्छी तैयारी से निकले, आपको मन में एक छोटा सा भी ख्याल आया, इतना सा भी, कि मैं सिर्फ मॉक टेस्ट देने जा रहा हूं, तो इट इज माई वे, इन माई थॉट यू विल नॉट गेट बेटर मार्क्स इन अ मॉक टेस्ट, क्योंकि आपके माइंड में तो पहले ही वह थॉट आ चुकी है कि यार मैं तो जस्ट ऐसे ही यार मॉक टेस्ट देने जा रहा हूं। और जब आप रियल एग्जाम देने जाते हो ना, तब दिमाग में क्या रहता है, एक डर, एक भय रहता है कि नहीं यार, नहीं यार, मेन एग्जाम देने जा रहा हूं, वहां मुझे अच्छी परफॉर्मेंस करनी है, वहां मुझे ये करना है, बस दिमाग में यह हवा रहता है। जब आप मॉक टेस्ट देने जाते हो तब क्यों नहीं रहता है, तब आपका माइंड क्यों नहीं रहता है कि मुझे यहां पर अच्छे नंबर लाने हैं? नहीं, वहां पर तो आपके दिमाग में पहले अरे यार मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मॉक टेस्ट को रियल टेस्ट समझे कि नहीं यार, मैं रियल टेस्ट देने जा रहा हूं और ये मार्क्स मेरे लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब मॉक टेस्ट देने के बाद में स्टूडेंट गड़बड़ी क्या करते हैं, ये देखिए आप, कहां उनको एक डिफिकल्टीज आती है, कहां उनको फ्रस्ट्रेशन आती है, देखिए आप। जब मॉक टेस्ट देते हैं और मॉक टेस्ट में उनकी परफॉर्मेंस खराब हो तो निराशा से भर जाते हैं, एक फ्रस्ट्रेशन दिमाग में आ जाती है। मॉक टेस्ट देख के जब बाहर निकलते हैं, पहले तो क्या करते हैं, घर से निकलते तो मन में क्या ख्याल आता है, क्या थॉट आता है, अरे यार कुछ नहीं यार मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं। तो जब आप मॉक टेस्ट देने जा रहे हो तो फिर निराशा क्यों कर रहे हो? जब मॉक टेस्ट दे रहे हो तो एक तो घर से निकले तो देखे मैं रियल एग्जाम देने जा रहा हूं, और उसके बाद भी अगर आपको निराशा हाथ लगे, उसमें आपकी परफॉर्मेंस खराब लगे, तो अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, आप निराश ना हो, सबसे पहले तो स्माइल करें और डोंट क्राई, अपने आप पर गुस्सा ना करें, एक मतलब छोटी सी हंसी लाए अपने चेहरे पर और मन में यह बात रखें कि डोंट क्राई, इन अ नेक्स्ट टाइम आई विल प्रिपेयर वेरी गुड, मैं अच्छी तरह से नेक्स्ट टाइम में प्रिपेयर होकर आऊंगा और नेक्स्ट मॉक टेस्ट में मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगा और रियल एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स लाऊंगा। एनालिसिस करें व सीखें, आपने मॉक टेस्ट दिया है उसका एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करें, सीखें, खुद से पूछे कि मैं कहां गलत था। अगर आप खुद से नहीं पूछोगे, आप ऐसे ही वहां मॉक टेस्ट देके आ गए, परफॉर्मेंस खराब है, कोई नहीं यार घर पे आ गए, वहां ऐसे ही
नो नेवर, ऐसा कभी ना करें। मॉक टेस्ट दिया है, उसमें आपकी परफॉर्मेंस खराब हुई है, तो घर पे आए और उस एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करें कि कहां आप रॉन्ग थे और कहां आप सही थे। जहां रॉन्ग थे उस क्वेश्चन को पकड़ें और वहां पर मेहनत करें। आप उस जो क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं ना, उस सब्जेक्ट पे पकड़ पाना है और सीखना शुरू कर दें। थर्ड, कमिटमेंट करें खुद से। कोई भी एग्जाम दिया, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उसमें नंबर नहीं आया, कोई बात नहीं, मॉक टेस्ट दे दे, उसमें परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, कोई बात नहीं, खुद से कमिटमेंट करें, खुद से, किसी से, टीचर से ना करें, अपने मम्मी पापा से ना करें, अपने फ्रेंड से ना करें, अपने भाई बहन से ना करें। दूसरों से कमिटमेंट करने से क्या होगा? इट विल नेवर डन, कुछ भी नहीं होगा। इफ यू वांट टू डू समथिंग इन दिस वर्ल्ड, यू हैव टू कमिटमेंट योर सेल्फ। अपने आप से कमिटमेंट करिए कि मुझे ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करना है, मुझे कुछ बनना है। दैट्स द रियल थॉट। खुद से कमिटमेंट करें। तो ये तीन या चार चीजें बातें याद रखना आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। मे बी हेल्प फॉर यू, आपके लिए मदद साबित कर सकती है तीन या चार बातें।